गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम इलेक्ट्रिकल सर्किट जो है हमारा डिप्लोमा का जो सब्जेक्ट है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, उसको शुरू करते हैं। देखिए, आपके सामने तो सारे सब्जेक्ट्स हैं, मशीन है, ट्रिपल ई है और आपका इमामी है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं इस सेमेस्टर में। लेकिन इलेक्ट्रिकल सर्किट जो उनसे थोड़ा डिफरेंट होगा, ये इसका रीज़न ये है कि इस ये जो सब्जेक्ट है इसमें न्यूमेरिकल टोटली रहेंगे। लेकिन हर यूनिट को चालू करने से पहले मैं उसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन दूंगी कि इसमें कौन से जो क्वांटिटी है वो यूज़ होने वाले वाले हैं। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो चलिए, क्योंकि आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच में फर्स्ट टाइम एंटर किए हैं अपने क्रोन ब्रांच में, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपना फर्स्ट लेक्चर। इलेक्ट्रिकल करंट, करंट होता क्या है? हम सबको पता है कि जो फ्लो ऑफ चार्ज होता है या जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसको करंट या धारा बोली जाती है। क्या बोला जाता है? जो फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ चार्ज या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसको क्या बोला जाता है? उसको करंट बोला जाता है। हमारा जो पहला डेफिनेशन है इलेक्ट्रिकल करंट, वो क्या बता रहा है कि जो कंटिन्यूअस फ्लो होता है, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है किसी भी किस में, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलते हैं उसको? इलेक्ट्रिक करंट। ये किससे डिनोट किया जाता है? इसको हिंदी में धारा बोलते हैं और इंग्लिश में करंट बोलते हैं। ये डिनोट किया जाता है कैपिटल आई से। किससे? कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। और इसका यूनिट क्या होता है? एम्पियर। क्या होता है इसका यूनिट? एम्पियर। ठीक, इसका यूनिट होता है एम्पियर। फाइन, तो ये क्या था आपका? धारा। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। देखिए, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क होता क्या है? हम सारी जो टर्मिनोलॉजी है मैं आपको बता दूं, क्योंकि हम लोग विज्ञान के स्टूडेंट हैं, हम टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हैं, तो हमारी जितनी भी परिभाषाएं रहती है या डेफिनेशन रहता है ना, वो उसके वर्ड में या शब्द में ही रहता है। आपको क्या बोला जा रहा है? इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। इलेक्ट्रिकल नेटवर्क का मतलब क्या होगा? नेटवर्क माने एक तरह का नेट, मतलब एक से ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो कनेक्टेड है। तो आपको क्या बोला जा रहा है? आपको ये बोला जा रहा है कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स। बहुत सारे इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स का जो कॉम्बिनेशन होता है, जैसे कि देखिए, रजिस्टर हो गया, इंडक्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया। रजिस्टर मतलब मैं किसको बोल रही हूँ? मैं प्रतिरोध को बोल रही हूँ। प्रतिरोध हो गया, इंडक्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, वोल्टेज सोर्स हो गया, करेंट सोर्स हो गया। जब इनको हम कनेक्ट करते हैं किसमें, देखिए पूरे डेफिनेशन को अच्छी तरीके से देखिए, क्या बोल रहे हैं आपसे कि एक कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स, रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, वोल्टेज सोर्स, करेंट सोर्स, कनेक्टेड इन ए वेल मैनर्ड वे। मतलब आप किसी तरीके से भी जोड़ दोगे नहीं। आपको क्या बोला जा रहा है? एक कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स, रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, वोल्टेज सोर्स, करेंट सोर्स, कनेक्टेड इन ए वेल मैनर्ड वे, मतलब अच्छी तरीके से। वेल मैनर्ड वे मतलब एक तरीका होता है कनेक्ट करने का। अगर कनेक्टेड है मतलब एक माया जाल टाइप उसको में बना रहे हैं, एक नेटवर्क टाइप बना, जैसे कंप्यूटर नेटवर्क होता है, कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू ही तो इधर उधर उधर जितने भी अपने मोबाइल फोन्स हैं ये कनेक्टेड है ना, वैसे इलेक्ट्रिकल नेटवर्क होता है। तो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के भी कुछ नियम होते हैं। लेकिन अगर इलेक्ट्रिकल नेटवर्क हो जाता है तो मतलब उसका मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिकल नेटवर्क का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, इन सभी का जो कॉम्बिनेशन अगर करेंगे और जब ये कनेक्ट रहेंगे किस तरीके से, एक वेल प्लान्ड मैनर में, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। क्या बोलेंगे इसको? इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। जैसे कि उदाहरण के तौर पे आप देखिए कि एक कमरा जो है, आप फॉर एग्जांपल किसी कमरे में बैठे हैं, आपके कमरे में ट्यूबलाइट है, आपके कमरे में पंखा है, मान लीजिए बल्ब भी है, ठीक, और उनको ऑन करने के लिए स्विच भी है कि नहीं। तो स्विच को क्या, पंखा या ट्यूबलाइट या आपका जो आपका बल्ब है आपके घर में, वो खुद ही भी खुद ऑन हो जाता है क्या? नहीं, आपको ऑन करना पड़ता है। किससे ऑन करना पड़ता है? स्विच से ऑन करना पड़ता है। तो स्विच क्या है? आपके घर में जो मीटर लगे रहता है उसमें क्या आता है? उसमें आप अगर बोलेंगे तो क्या, या तो थ्री फेज होता है या तो सिंगल फेज होता है। ये आपका होमवर्क है कि सिंगल फेज और थ्री फेज में कितना वोल्टेज होता है, ये आप लोग मेरी नेक्स्ट क्लास में मुझे बताएंगे।
तो हम उसको वोल्टेज के रूप में काउंट करते हैं ना कि सिंगल फेज है, थ्री फेज है, वोल्टेज आ रहा है, और वही वोल्टेज आपके पंखा तक कैसे पहुंच रहे हैं, जब आप स्विच को ऑन कर रहे हो, स्विच को ऑन कर रहे हो कि नहीं, तो स्विच को ऑन करने पे आपका पंखा जो है वो ऑन हो रहा है, आपका कूलर जो है वो ऑन हो रहा है, तो वो क्या है, वो एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है। वो क्या है, एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, एक रूम में जो सारी चीजें कनेक्टेड है वो क्या बना रही है, एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क बना रही है। क्यों, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन है, किसका कॉम्बिनेशन है, वेरियस इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स का, रजिस्टर का, इंडक्टर का, कैपेसिटर का, करंट सोर्स का, वोल्टेज सोर्स का, इन सब का क्या है, ये कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन मतलब कॉम्बिनेशन कनेक्शन, और वो भी किस तरीके से, इन ए वेल मैनर्ड वे, इन ए वेल मैनर्ड वे, वेल मैनर्ड वे मतलब एक पर्टिकुलर तरीका होता है ना, वेल मैनर्ड वे, जिस तरह से लगाने का उस तरह से कनेक्टेड है, तो इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। तो आपने समझा कि इलेक्ट्रिकल नेटवर्क क्या है, अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में दो तीन आपको बोलूंगी शब्दों में डिफाइन करें, तो आप क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस एलिमेंट्स, क्या है ये, क्योंकि ये नेटवर्क है, तो उसको क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस वेरियस एलिमेंट्स। ठीक, चलिए अब जाते हैं दूसरे मेन डेफिनेशन में। देखिए, एक्टिव सोर्स ऑफ एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इलेक्ट्रिकल सर्किट को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे तो आप क्या पाएंगे, इलेक्ट्रिकल मशीन, इवन जो इमामी आप पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन या ट्रिपल ई जो बनेंगे, ये सारे सब्जेक्ट जो है क्या है, कोरिलेटेड है। इसमें से चीजों को समझिए और उसमें इंप्लीमेंट करिए। ये जो है इलेक्ट्रिकल सर्किट हमारा न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, और इलेक्ट्रिकल ब्रांच में हमको थोड़ी सी डिफिकल्टी या सॉल्व करने में न्यूमेरिकल क्यों होता है, जो कि मैं आपके लिए आसान बना दूंगी, क्योंकि जो धारा है वो किसी को भी दिखाई देती है क्या, डेफिनेटली दिखाई नहीं देती है, हमको उसको एज्यूम्शन ले लेके डिफाइन करना पड़ता है। इसलिए इलेक्ट्रिकल के न्यूमेरिकल जो होते हैं हम रिस्क नहीं ले सकते, हमको हमेशा टू द पॉइंट आंसर निकालना रहता है। इलेक्ट्रिकल सर्किट का डेली लेक्चर अटेंड करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट में टॉपिक में देखते हैं, एक्टिव सोर्स ऑफ एलिमेंट। एक्टिव सोर्स ऑफ एलिमेंट किसको बोलते हैं, ऐसे एलिमेंट जो सप्लाई करते हैं एनर्जी टू द सर्किट इज नोन एज एक्टिव सोर्स। जैसे देखिए, एक सर्किट बना रही हूं मैं, मैंने एक सर्किट बनाया, ठीक, यहां पर मेरा एक सर्किट है, ये मेरा वोल्टेज सोर्स है, मान लीजिए 5 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है, ये मेरा रेजिस्टेंस है, मान लीजिए 10 ओम का रेजिस्टेंस है, तो ये जो रेजिस्टेंस है ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है, इस वोल्टेज सोर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। जब तक इसका स्विच ऑन नहीं होगा, क्या ये वर्क, क्या इसका कोई वैल्यू रहेगा, यहां पर कोई वोल्टेज की मान आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। तो ये क्या है, ये आपका एक्टिव सोर्स है, द एलिमेंट विच सप्लाइज एनर्जी टू द सर्किट। मतलब ऐसे सोर्स कौन से हैं, ऐसे सोर्स हैं आपके वोल्टेज सोर्स, आपका करेंट सोर्स, इस तरह से देखिए ये सिंबॉल होता है, ये क्या होता है, ये वोल्टेज सोर्स का सिंबॉल है, ये करंट सोर्स का सिंबल है, ये क्या है, ये क्या करते हैं, ये सर्किट में एनर्जी सप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, सर्किट को एनर्जी देते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, इनको एक्टिव सोर्स बोला जाता है। और ऐसे एलिमेंट जो सर्किट में एनर्जी लेते हैं, क्या करते हैं, ऐसे एलिमेंट जो सर्किट से एनर्जी लेते हैं उनको पैसिव एलिमेंट बोला जाता है। जैसे कि आपका प्रतिरोध हो गया, इंडक्टर हो गया, कैपेसिटेंस हो गया, ये सब क्या है, ये सब आपके पैसिव एलिमेंट है। तो कभी नहीं भूलेंगे, एक्टिव सोर्स कौन से सोर्स है, ऐसे सोर्स जो कि सर्किट को क्या देते हैं, जो कि सर्किट को एनर्जी दे रहे हैं। पैसिव सोर्स क्या है, पैसिव सोर्स ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सर्किट से एनर्जी ले रहे हैं। जैसे एक रेजिस्टेंस के टुकड़े का कोई मूल्य नहीं रहेगा अगर उसको आपने सप्लाई नहीं दिया। जैसे पंखा जो है वो, अगर जब तक कि आप उसको सप्लाई नहीं दोगे, जब तक कि आप स्विच ऑन नहीं करोगे, पंखे का कुछ यूज है क्या, नहीं है, तो पंखा ऐसा पैसिव एलिमेंट एक्ट करेगा। लेकिन जैसे ही आप स्विच को ऑन करते हो, उसको सप्लाई मिला तो पंखा ऑन हो गया, तो इसलिए वो क्या है, पैसिव एलिमेंट। तो एक्टिव एलिमेंट क्या है, एक्टिव एलिमेंट ऐसे एलिमेंट है जो सर्किट में एनर्जी देते हैं। उनका एग्जांपल क्या बताया मैंने आपको, उनका एग्जांपल मैंने आपको बताया एक्टिव सोर्स का, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स, ये जो है ये क्या है, ये एक्टिव सोर्स है, ये क्या है, ये दोनों एक्टिव सोर्स है। इनका सिंबल भी बताया मैंने कि वोल्टेज सोर्स और जो करंट सोर्स है ये सर्किट को एनर्जी देते हैं, तो ये क्या है, एक्टिव सोर्स है। इसी की तरह जो एनर्जी लेता है वो क्या है, आपका प्रतिरोध, और आपका क्या है, इंडक्टर, और क्या है आपका, और है आपका कैपेसिटर। तो ये क्या है, ये आपका है पैसिव सोर्स। क्यों, क्योंकि वो एनर्जी देता नहीं है,
वो सर्किट से क्या करता है, एनर्जी लेता है। तो जो देने वाला है वो एक्टिव है, जो लेने वाला है वो पैसिव है। अब देखिए नेक्स्ट डेफिनेशन, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या होता है? द कैपेसिटी ऑफ ए चार्ज बॉडी। क्या किसकी बात कर रहे हैं हम? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। ये सारे टर्मोलॉजी हमें जान के रहना बहुत जरूरी है। देखिए आप डिप्लोमा वाले हैं, आप हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में लिखिए, या दोनों के कॉम्बिनेशन में लिखिए, आपके उसमें पेपर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, चीजों को समझ में आना चाहिए टेक्निकल उसमें। चलिए नेक्स्ट देखिए हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट डेफिनेशन, हम नेक्स्ट डेफिनेशन कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होता क्या है? द कैपेसिटी ऑफ ए, द कैपेसिटी ऑफ ए चार्ज बॉडी टू डू वर्क, मतलब एक कैपेसिटी ऑफ ए चार्ज बॉडी टू डू वर्क इज नोन एज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। वर्क डन अपॉन चार्ज, मतलब एक जो कैपेसिटी होती है, क्या होती है कैपेसिटी, जैसे मेरी कैपेसिटी है मैं कितने देर का वीडियो लेक्चर ले सकती हूँ या मैं कितने लेक्चर ले सकती हूँ, तो वैसे ही एक चार्ज बॉडी की, द कैपेसिटी ऑफ ए चार्ज बॉडी टू डू वर्क इज नोन एज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। मतलब उसकी कैपेसिटी, उसकी क्षमता जो होती है ऑफ ए चार्ज बॉडी किसी कार्य को करने के लिए, एक चार्ज बॉडी की क्षमता किसी कार्य को करने के लिए क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। इसका फॉर्मूला क्या होगा? वर्क डन अपॉन चार्ज। क्या होगा आपका? वर्क डन अपॉन चार्ज। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं, नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए किसका आ रहा है, नेक्स्ट डेफिनेशन क्या आ रहा है? रेजिस्टेंस का आ रहा है। रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस को हम हिंदी में प्रतिरोध बोलते हैं। जो रेजिस्टेंस होता है इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट होता है ओम। क्या होता है रेजिस्टेंस का यूनिट? रेजिस्टेंस का यूनिट या प्रतिरोध का यूनिट होता है ओम, ठीक। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम? प्रतिरोध। तो देखिए ये एक्चुअली होता क्या है, द ऑपोजिट फोर्स ऑफर टू द फ्लो ऑफ करेंट, द ऑपोजिट फोर्स ऑफर टू द फ्लो ऑफ करेंट इज नोन एज रेजिस्टेंस। धारा को जो एक ऑपोजिट फोर्स लगता है, क्या बोल रहा है ये? हमेशा अगर रेजिस्टेंस आपको पूछा जाए साधारण शब्दों में, रेजिस्टेंस क्या है? जो कि धारा को अपोज करता है। क्या करता है? अपोज करता है। तो क्या पूछ बोल रहा है आपको? देखिए डेफिनेशन देखिए, द ऑपोजिट फोर्स ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करेंट, मतलब जो करेंट को फ्लो को रोक रहा है, इज नोन एज रेजिस्टेंस, इज नोन एज रेजिस्टेंस या प्रतिरोध। मतलब जो फ्लो ऑफ करेंट को रोक रहा है उसको क्या बोलेंगे? प्रतिरोध क्या या रेजिस्टेंस। ये क्या होता है? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? लेंथ ऑफ कंडक्टर के। किसके प्रोपोर्शनल होता है? डायरेक्टली आपने ये फॉर्मूला देखा होगा, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, देखा है आपने? तो इसमें क्या होता है, एल क्या होता है? लेंथ ऑफ कंडक्टर होता है। ए क्या होता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। देखा है कि नहीं? ये तो आपकी स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी है, लेकिन जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है? एल अपॉन ए। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है किसके? लेंथ के। लेंथ के साथ बढ़ता है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है किसके? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। ये फॉर्मूला होता है प्रतिरोध का। देखिए आपके उसमें एग्जाम में डेफिनेशन पूछा जा सकता है, लेकिन मेनली ये न्यूमेरिकल है तो न्यूमेरिकल भरा रहेगा, लेकिन फिर भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि न्यूमेरिकल आपसे पूछ क्या रहा है, इसलिए मैं आपको स्टार्टिंग में डेफिनेशंस करा रही हूँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।